नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो द्वारा बताने जा रहे हैं अपने बिछड़े हुए प्यार को वापस कैसे पाएं। दोस्तों, अगर आपका प्यार भी आपसे दूर चला गया है और आप भी अपने खोए हुए प्यार को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में जो टोटका आपको बताया जाएगा, उस टोटके का प्रयोग करके आप अपने बिछड़े हुए प्यार को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका प्यार भी आपसे किसी कारण दूर हो गया है और आप भी अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं, आप अपने प्यार के बिना नहीं रह सकते, आप अपने प्यार के बिना अधूरे हैं, आपकी ज़िंदगी आपके प्यार के बिना अधूरी है और आप चाहते हैं आपका प्यार फिर से अपनी ज़िंदगी में लौट आए, तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना होगा? एक पान का पत्ता, थोड़ा सा सिंदूर, अनार के पेड़ की टहनी और लाल धागा, थोड़े से कच्चे चावल और 2 इलायचियाँ, ये 6 सामग्रियाँ हैं दोस्तों, ये आपने लेनी है। दोस्तों फिर से बता देता हूँ मैं, एक पान का पत्ता, थोड़ा सा सिंदूर, अनार के पेड़ की टहनी की लकड़ी और लाल धागा, थोड़े से कच्चे चावल और 2 इलायचियाँ। दोस्तों इस उपाय को करने का पूरा तरीका चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस उपाय को आप शनिवार के दिन ही करें, शनिवार के दिन ये उपाय ज़्यादा काम करता है। सबसे पहले सिंदूर में कुछ बूंदे पानी की मिला लें। दोस्तों अब अनार के पेड़ की टहनी को कलम की तरह इस्तेमाल करके पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से अपने प्यार का नाम लिख दे जो आपसे बिछड़ गया है। अब 2 इलायचियों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, फिर उनको पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। और दोस्तों इतना करने के बाद आपने उस सामग्री पर बताए गए मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों मंत्र है, ओम हरिम गुरु पिशनी, अपने प्यार का नाम लेना है, म वश्यम भवंती, इसका आपने दोस्तों 108 बार जाप करना है। फिर थोड़े से चावल अपने हाथ में रखकर उनके ऊपर 3 बार फूंक मार देनी है। चावलों को पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। अब सारी सामग्री को पान के पत्ते में लपेट लेना है और उस पर लाल धागा बांध देना है अच्छी तरह से। फिर उसको दोस्तों आप किसी बहते हुए पानी में जाकर बहा दें। ऐसा करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा। दोस्तों इस उपाय को आप पूर्णिमा की रात को भी कर सकते हैं। यह उपाय आप अगर पूर्णिमा के दिन भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, किसी भी इंसान का बुरा करने के लिए इस टोटके का प्रयोग न करें। अगर आपका प्यार आपसे दूर चला गया है तो ही आप इस टोटके का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।